दोस्तों साउथ अफ्रीका के ही बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को बेबी एबी डिविलियर्स क्यों कहा जाता है, ये उन्होंने पंजाब किंग्स इलेवन के खिलाफ मैच के दौरान दिखा दिया, जिन्होंने राहुल चहर के एक ही ओवर में लगातार 4 छक्के लगाकर ये साबित कर दिया। हालांकि डेवाल्ड ब्रेविस की शानदार पारी के बावजूद भी मुंबई इंडियंस ये मैच नहीं जीत पाई, लेकिन जिस दौरान डेवाल्ड ब्रेविस राहुल चहर की लगातार पिटाई कर रहे थे और एक ही ओवर में 29 रन लूट लिए, उसके बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा भी स्ट्रेटेजिक टाइम के दौरान डेवाल्ड ब्रेविस से मिलने मैदान पर पहुंचे, उन्हें आगे की स्ट्रेटेजी बताई और उन्हें साथ ही शाबाशी भी दी। पर दोस्तों डेवाल्ड ब्रेविस मुंबई इंडियंस को जीत नहीं दिला सके और ऑडियन सुमित की गेंद पर कैच आउट हो गए, सिक्स लगाने की कोशिश में कैच आउट हो गए और इसी दौरान पंजाब के गेंदबाज ऑडियन सुमित का विकेट लेने के बाद रिएक्शन भी देखने लायक था और गुस्से में डेवाल्ड ब्रेविस की तरफ देखते हैं, चिल्लाते हैं, जिसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस का रिएक्शन भी कुछ इस तरह था और इस विकेट के साथ ही पंजाब किंग्स इलेवन ने एक बार फिर मैच में वापसी की और इसके बाद तिलक कैरम पोलार्ड और सूर्यकुमार यादव भी आउट हो गए और मुंबई इंडियंस ये मैच 12 रन से हार गए और मुंबई इंडियंस आईपीएल के इतिहास में पहली बार लगातार शुरुआती 5 मैच हारी है और इसी के साथ उनका हार का सिलसिला बरकरार है।